कैसे सुनो, स्वागत है आपके मेरी एक और यूट्यूब चैनल की वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं ये वाला रेड सॉस पास्ता। बहुत ही ज़्यादा यम्मी होने वाला है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो चलिए मैंने रखी वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी पतीली ले लिया मैंने। इसमें हम पानी डालेंगे 1 लीटर के आसपास। तो मैंने आधा लीटर डाल दिया, आधा लीटर वो डाल दूंगा मैं। आधी पतीली भर लेनी है हमें, 3.75 लीटर की पतीली है। अब इसमें पहले नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया मैंने। इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। नमक अभी डालना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा पास्ता तो बिल्कुल फीका होता है। 1 टेबलस्पून के आसपास रिफाइंड ऑयल डाल दिया इसमें मैंने। पास्ता को बॉईल करने के स्टेप्स, मैंने वाइट सॉस पास्ता बना रखा, मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, वो पहले भी बता रखा मैंने, मैं अभी दोबारा बता दूंगा आपको भी। आई बटन में दिख जाएगी मेरी वाइट सॉस पास्ता की लिंक। इसमें बॉईल आने देते हैं। इसमें हल्का हल्का बॉईल आना स्टार्ट हो गया। इस वक्त मैं इसमें 200 ग्राम के आसपास पास्ता डाल दूंगा। पैने पास्ता है जिसे पाइप वाला पास्ता भी बोलते हैं। आप चाहे तो मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बेसिकली बना ही इन फ्लेवर्स के लिए होता है। अब जैसे इसके अंदर की स्टार्च निकलने शुरू हो गई है इसलिए वाइट वाइट हो गया पूरा। और इसको बॉयल होने देते हैं 7 से 8 मिनट, जब तक ये बिल्कुल कोकोनस थोड़ा सा कम ना रह जाए। और मैं आपको बताना भूल गया था कि इसको मीडियम फ्लेम पे रखना था आपको और साथ में मिक्स कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हाल हो सकता है। अब देख सकते हैं, इससे पहले मम्मी से पिटाई हो, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने साफ़ कर दी काफ़ी हद तक। मम्मी भी बाहर गई इसलिए मैं बच चुका हूँ। तो इसको हर 2 मिनट में या 1 मिनट बाद हमें मिक्स करते रहना है, नहीं तो आप रिजल्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं एक आधा पीस अब निकाल के देख भी लेता हूँ कि वो अलदानते हो गए कि नहीं। अलदानते होता है जब कोई भी चीज़ 70-80% कुक हो जाए और थोड़ी सी कसर रह जाए उसमें, क्योंकि जब हम सॉस बनाएंगे तो वो गर्म होगा तो उसमें भी ये थोड़ा कुक होएगा। इसको मैं काट के देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ी सी है और थोड़ी देर करना पड़ा, मैं 1-2 मिनट साथ साथ में मिक्स करते रहना। तो इसको हम देते हैं, हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको स्ट्रेनर में निकाल लेता हूँ, एक बार गैस बंद कर लेते हैं। तो मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया इसको। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके ऊपर हम। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे ताकि आपस में चिपके ना। अब 2 चम्मच ले लिए मैंने, इसको अच्छे से टॉस कर देना, यानी अच्छे से मिक्स कर देना एक दूसरे के साथ। इसको साइड में रख देंगे, थोड़ी सॉस के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए,
इनको बीच में से काट ले और आँख निकाल ली इनकी, उसको मिक्सी में जला लेते हैं। तो मैंने इसकी प्यूरी बना ली है, तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने एक ऐसी कढ़ाई ली है सॉस बनाने के लिए, इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। दो टेबल स्पून गैस पर डाल दिए, यानी 4 से 5 आपके जो नॉर्मल चम्मच होते हैं, इसको गर्म हो देते हैं। तो हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है, अब इसमें 4 से 5 बारीक कटी लहसुन की कलियां डाल दूंगा। साथ में जरा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, इसको मिक्स करना जल्दी जल्दी। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, मीडियम साइज कटा हुआ है, बारीक नहीं कह सकते इसको। इसको फटाफट चला लेंगे हम। प्याज को थोड़ा लाइट ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या फिर आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, ये डालनी ज़रूरी है क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा कलर आता है, हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको 15 से 20 सेकंड चलाना है हमें बस लगातार। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, हल्का सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ा डाल के हमने बेल पास्ता में भी डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें क्योंकि हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है। अब इसको सिम मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट होने देंगे और ढक देते हैं इसको। तो इसको 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसमें टमाटर का केचप डालना भूल गया था, तो मैं अब डाल दूंगा 2 चम्मच के आसपास। इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़े चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दूंगा मैं इसके ऊपर। थोड़ा सा ओरिगेनो डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसका पास्ता डाल लेंगे इसमें सारा हम अपना जो बॉईल किया था। तो ऐसे मिक्स कर लेंगे इसके साथ हम सॉस के साथ अपने पास्ता को। इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी थिक है, तो अब इसमें पानी डाल दूंगा थोड़ा।
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दो तीन मिनट के लिए कुक कर लेंगे इसको। तो अभी बिल्कुल रेडी है, उसको मैं प्लेट में निकाल लूँगा। गैस बंद कर लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, तो काफ़ी अच्छा बना। आज की वीडियो में इतनी, अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो को ट्राई कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के अपनी मेरे को टैग कर सकते, कुकिंग इज़ फन विद आर्यन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।